बारिश का आपातकाल, हिमाचल में बादल फटा, मुंबई में दो लोगों की मौत, असम में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। भारी बारिश के बीच मुंबई के घाटकोपर में इमारत का हिस्सा गिरा, दो लोग फंसे, चार लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू जारी। मुंबई में केसीआर का महाराष्ट्र में सख्ती प्रदर्शन, 100 विधायकों के साथ पूरा मंत्रिमंडल पहुंचेगा पंडरपुर। दिल्ली और मुंबई में मानसून के साथ में दी दस्तक, 62 साल में पहली बार हुआ ऐसा। अगले 5 दिनों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई में मानसून एक्टिव। मुंबई में मेन हॉल में गिरने से दो लोगों की मौत, सबवे हुआ बंद, पहली बारिश में मुंबई हुई पानी पानी। वैसी की रैली में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगाने का आरोप, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घेरा, कहा भारत में मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं, समर्थक करने वालों की जांच हो। कानपुर में राधामोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के ठिकाने पर इनकम टैक्स की छापेमारी, बीएमडब्ल्यू कार के मैट के नीचे से निकला 12 किलो सोना, करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश में उज्जैन पहुंची एक्ट्रेस सारा अली खान, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। अगर मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या की है तो कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव कैसे जीती, आगरा की जनसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जो कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वे इन दलों से हैं, उन्हें लात मारकर जेल में डाल दे, बकरीद से पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे का पुलिस को निर्देश। सेना के जवान जबरन मस्जिद में घुस गए और मुस्लिमों से जय श्री राम के नारे लगवाए, महबूबा मुफ्ती ने सेना पर लगाया बड़ा आरोप। हरियाणा के पंचकुला के पास भारी बारिश के बीच गाड़ी नदी में बही। इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म इमरजेंसी का टीजर आया सामने, 24 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका पर।